Hello childrens, how are you all? Hope you are all well. Today we have met online after a long time. Today in this video lecture we learn our first chapter. Our first chapter is संयुक्त वर्ण. हमने स्वर और व्यंजन तो आगे सीखे ही है, अब हम संयुक्त वर्ण सीखेंगे. क्या सीखेंगे? संयुक्त वर्ण. संयुक्त वर्ण को संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है. तो So, let's start. What is संयुक्त वर्ण? तो पहले तो हमें संयुक्त वर्ण किसे कहा जाता है वो जानना होगा. तो हम पहले सीखेंगे कि संयुक्त वर्ण किसको कहा जाता है. तो दो वर्ण को मिलाकर बनने वाले वर्ण को संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहा जाता है. अब मेरे साथ आपको भी रिपीट करना है कि संयुक्त वर्ण किसे कहा जाता है. तो मेरे बाद रिपीट करो. दो वर्ण को मिलाकर बनने वाले वर्ण को संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहा जाता है. तो क्या होगा संयुक्त वर्ण का मतलब? कि दो वर्णों को मिलाकर बनने वाले वर्ण को संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है. तो हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन है? तो हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन है. वो कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं. वो फर्स्ट इज श. फर्स्ट क्या है? क्ष. उसके बाद आएगा त्र. उसके बाद आएगा ज्ञ. उसके बाद आएगा लास्ट में श्र. तो ये जो चार है वो संयुक्त अक्षर व्यंजन कहे जाते हैं. इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है. तो ये जो चार है वो कोई भी दो वर्णों को मिलाकर बनाए गए हैं. ये जो चार है वो कोई भी दो वर्णों को मिलाकर बनाए गए हैं. तो अब हम वो देखेंगे कि वो कौन से दो वर्ण हैं जिसको मिलाकर क्ष बनाया गया है. तो पहले हम देखेंगे क्ष. तो क्ष है क्ष. तो क्ष कौन से दो वर्णों को मिलाया है तो बना है. तो जब हम क्ष का उच्चारण करते हैं तो हमें कौन से दो वर्ण सुनाई देते हैं? तो क और श. मेरे साथ बोलो क्ष. तो आपको क और सुनाई दिया उसमें, क और श उसमें सुनाई देता है. तो ये क्ष जो वर्ण है वो क प्लस श को मिलाते हैं तो क्ष बनता है. क और श को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्ष. जैसे कक्षा, एक एग्जांपल है कक्षा. क्ष क्षत्रिय का क्ष भी कहा जाता है उसको. उसके बाद सेकेंड आया त्र. तो जब हम त्र का उच्चारण करते हैं तो क्या सुनाई देता है? तो त प्लस र. त्र. त और र को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? त्र. जैसे के पत्र, एक शब्द है उसमें से लिया गया संयुक्त वर्ण का पत्र. अभी थर्ड नंबर पे आया है. थर्ड नंबर पे क्या है? ज्ञ. क्या है? ज्ञ. तो ज्ञ कौन से दो वर्णों को मिलाकर बनाया है? तो ज प्लस अय. तो ज प्लस य को मिलाएंगे तो बनेगा ज्ञ. जैसे एक शब्द है यज्ञ. यज्ञ. और लास्ट में आया श्र. श्र. तो श्र कौन से दो वर्ण को मिलाते हैं तो बनेगा? तो श प्लस र. श्र.
श और र को मिलाएंगे तो बनेगा श्र, जैसे के श्र म। जैसे के कौन सा शब्द लिखा हमने, श्र म। समझ में आया? तो ये जो सारे चारों संयुक्त व्यंजन हैं वो दो व्यंजनों को मिला के बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों को मिलाते हैं तो बनता है। ओके, सो टुडे आपका होमवर्क है जो ये क्ष, टुडे आपको जो होमवर्क करना है वो क्या है, तो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है क्ष, वो 5 टाइम आपको क्ष 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 रिपीट करना है। उसके बाद है त्र, तो वो त्र 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 5 टाइम्स आपको रिपीट करना है। वैसे ही ग्य, तो ग्य भी आपको 5 टाइम्स रिपीट करना है। और लास्ट में है श्र, तो वो भी आपको 5 टाइम्स रिपीट करना है। आपकी नोटबुक में बोलते जाना है और लिखते जाना है। ओके, सो डू योर होमवर्क प्रॉपरली। थैंक यू, बाय।